से बात करना चाहता हूँ। उसको बताया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बन गई है, कमेटियाँ कैसा काम कर रही हैं कैसे नहीं कर रही है उसको पता नहीं, मैं उसके बारे में पूछा सकता हूँ क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका आप देखिएगा सेक्शन 6 जो है वो कमेटी के फंक्शंस को डिफाइन करता है, क्या क्या फंक्शंस हैं। आप लोगों को मिनिमम प्रोटेक्शन एक्ट मिला होगा, मैं सब में नहीं जाऊंगा। सेक्शन 6 है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, और वही सेम ऑब्जेक्ट रिपीट कर दिए गए हैं स्टेट काउंसिल के लिए सेक्शन 7 में, और सेम ऑब्जेक्ट रिपीट कर दिए गए हैं सेक्शन 8 में। इसलिए स्टेट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी कर्तव्य होता है कि इसको देखें समझें इसमें क्या क्या वो कर सकते हैं वो करें। और उसमें मेरा सुझाव यह है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है वो कमेटी के लिए, कोई वहां पर ये अवेयरनेस लोगों में जगाए कि किसी को दिक्कत हो तो पहले कमेटी का अप्रोच है। मान लीजिए कोई गाड़ी है की बात है वो उस डीलर से बात करें, अगर सेटलमेंट की कोशिश करें और हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो इसमें है सेक्शन 6 में डी में लिखा है द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी एश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसीडरेशन एट एप्रोप्रिएट प्राइस। आप उसके बिहाफ में कंज्यूमर फोरम पे प्रेजेंट भी कर सकते हैं, अगर वो नहीं आ सकता गाँव में आपका आदमी है बेचारा नहीं आ सकता नहीं आ रहा आप उसे केस समझ के वहां पर उसको लीगल एड दे सकते हैं मदद कर सकते। एसोसिएशंस से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर हैं उन सब को उठाए। आज जैसे एग्जांपल के लिए मोबाइल सेवा है, हम लोग सब लोग दुखी हैं, एक आदमी लड़ना मुश्किल है, एसोसिएशन लड़ सकते ऊपर तक लड़ सकते। तो ऐसे करके आप देखें क्या कहां कहां गुंजाइश है कहां कहां जरूरत है मेरे को लीजिए। और एक सुझाव और ये था कि हम जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं उसमें अगर प्रश्न उत्तर के लिए भी 10-15 मिनट रखे जाएं तो उसमें आज के प्रोग्राम में नहीं है भविष्य में उसमें आप लोगों से भी फीडबैक मिल सके, सब लोगों को आप लोग भी बता सकें कि आप लोग मन में है वो भी रखना चाहिए। और जैसे कहा जाता है कि कानूनी खानापूर्ति करना या कानून के को पूरे मनोयोग से भी पालन करना कानून की आत्मा का एक तरह से हनन है। हम सबको कानून को बहुत अच्छे तरह से अपने मनोयोग से पालन करना चाहिए, हम सब भी कंज्यूमर हैं। एक बार फिर आप लोगों को बढ़िया मौका देने के लिए धन्यवाद। जय।